अभी कल मेरे से प्रश्न किया गया कि आप ईश्वर भगवान और चमत्कार के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ शांति की बात करते हैं, तो क्या शांति से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सकता है? जरूर आ सकता है। शांति हमारे जीवन की बेसिक जरूरत है। तुम शांति से शुरुआत करो। क्यों? क्योंकि बिना शांति के तुम क्या चीज असली है यह भी समझ नहीं सकते। हम अगर आपको असली चीज लाकर दे भी देंगे तो आप समझ थोड़ी ना पाएंगे, आप जान थोड़ी ना पाएंगे। और शांति तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे हृदय से दूर नहीं है और तुम शांति से दूर नहीं हो। तो सबसे पहली बात है, असली चीज इस श्वास का आना और जाना। देखो जी, इस संसार में तीन ही चीजें हैं, बाकी चीजें तो सब बाद की हैं। पहली बात है आपका जन्म होना, दूसरी बात है आपका जीना, इस श्वास का आना और जाना, और तीसरी बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो सबको मालूम है, वो सबके साथ होनी है। और जब आपका जन्म होता है, जब इस संसार में आते हैं, तो सब लोग क्या इंतजार करते हैं, श्वास चल रहा है कि नहीं। और अगर डॉक्टर वहां खड़ा है तो वो तो धड़ाक धड़ाक, और तब तक पिटाई होगी जब तक उसका श्वास चलने ना लगे। तो पिटाई तो शुरू से ही हो जाती है। तो क्या है इस श्वास की कीमत क्या है? तुम आए और ये तुम्हारा श्वास चला और ये जीवन शुरू हुआ। और जो तीसरी चीज होनी है वो होनी जरूर है और सबके साथ होनी है, लेकिन हम जीते इस तरह हैं कि जैसे वो तीसरी चीज होगी नहीं। कुछ लोग कहेंगे जी नहीं, टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर भी अनप्लग और बोलता है ये तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये जो मैंने चीजें बताई, ये चीजें होनी है। और क्या है हमारे जीवन में इस श्वास की असली कीमत क्या है? श्वास के बल पर तुम भाई हो, बहन हो, चाचा हो, मामा हो, जो हो वो हो, श्वास के बल पर सब कुछ चल रहा है। बुद्ध ने भी कहा कि अपना ध्यान अपनी श्वास पर साधो, और इससे बड़ा कोई चमत्कार हो नहीं सकता। और जिस दिन ये निकल गया उस दिन कोई रिश्तेदारी नहीं रहेगी, कोई रिश्तेदार ना रहेगा। तो मजे की बात ये है कि जब तुम आए थे तो लोग तुम्हारे सांस लेने का इंतजार कर रहे थे, और जब तुम्हारे साथ वो तीसरी चीज होगी तो लोग ये इंतजार करेंगे श्वास चल रहा है या नहीं। पूछेंगे तो इन चीजों को ध्यान में देना है। और ये जो समय मिला हुआ है 36,500 दिन, अगर आप 100 साल जीवित रहते हैं तो समय आपके पास 36,500 दिन है, और उसमें से आप बहुत दिन खर्च कर चुके हैं और कुछ दिन आप सोकर खर्च कर देंगे। और ये जो थोड़ा सा समय मिला है, इसको आप अगर लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या चुगली में, इसमें ख़त्म कर देंगे तो फिर कुछ भी ना बचेगा। हम कोई भी काम करते हैं किस लिए करते हैं? आनंद की तलाश में। हम नौकरी के लिए जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं, बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, किस लिए करते हैं? आनंद की तलाश में। मनुष्य को आनंद की तलाश है। कोई मूवी देखने जाता है, क्रिकेट देखने जाता है, किस लिए जाता है? आनंद की तलाश में। और मनुष्य को आनंद कब तक चाहिए? एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक घंटे, दो घंटे, चार घंटे, इसके लिए नहीं। मनुष्य को आनंद तब तक चाहिए जब तक वो जीवित है, और वो तब भी संभव है जब तुम अंतर्मुख होकर
अपने भीतर उस चीज का अनुभव करो। बुद्ध ने ईश्वर शब्द का उच्चार नहीं किया, लेकिन जो चीज भीतर है उसको अनुभव करने की जरूरत है। और जब तुम अनुभव करोगे तो जो प्रसाद है, जो शांति रूपी प्रसाद है, उसे फेंको मत, उसे अपने जीवन में ग्रहण करो और इस जीवन को सफल करो। एक छोटा बच्चा, बहुत बार ऐसा होता है जो छोटा बच्चा होता है अपनी माँ के गोद में होता है तो और लोग उसको लेना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरी गोद में जाता है तो रोने लगता है। और अगर उसकी चाची आकर कहे कि नहीं नहीं मैं तेरी माँ हूँ, चुप हो जा, बच्चा चुप हो जाएगा। बात है असलियत, असली चीज की। ऐसे ही तुम संसार में तमाम तमाम चीजों में फंसे हुए हो, कागज की जंजीरों से बंधे हुए हो, और एक छोटी सी जान जो किसी कॉलेज में नहीं गई, यूनिवर्सिटी में नहीं गई, वो जानती है असली चीज क्या है। तुमको आकर कोई बताएगा कि चल अब तेरे जीवन में असली चीज आ गई, उस चीज का अनुभव करो। तुम्हारे हृदय में शांति की प्यास है, तुम्हारा हृदय तुमसे कह रहा है इस जीवन को सफल करो, इस जीवन को आनंद से जियो। तो जब एक छोटा सा बच्चा असली चीज को जानता है तो तुम इतनी देर क्यों करते हो जानने में? सोचो असली चीज क्या है, वो तुम्हारे भीतर है, वो बाहर कहीं नहीं है। बाहर कब से मत्था टेक रहे हो? समझो और अपने भीतर उस चीज का अनुभव करो। और ये नहीं है, ये जीवन इसलिए नहीं मिला है कि व्यर्थ के कार्यों में, चुगली में, उनकी बात इनकी बात ये सब करने में के लिए ये जीवन नहीं मिला हुआ है। ये जीवन मिला इसलिए कि अपने भीतर स्थित उस चीज का अनुभव करो जिस चीज का कोई नाम नहीं लिया जा सकता।